हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ह्यूज ज़ारा हॉल। एक्चुअली रिसेंटली ज़ारा पे कुछ सेल चल रही थी और उसके पहले भी जो स्पेशल प्राइस पे कुछ डिस्काउंट पे मुझे प्रोडक्ट्स मिले थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो मेरा जो ज़ारा हॉल है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा भर के बड़ा हो गया है। तो इसमें कुछ फुटवेयर्स, कुछ ट्राउज़र, कुछ शर्ट, कुछ टॉप वगैरह हैं, स्कर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं। तो ये मिक्स तरीके का हॉल होने वाला है ज़ारा का। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी मैंने ऑफर पे, डिस्काउंट पे लिए हैं, जो सेल चल रही थी उसी टाइम लिए हैं। तो चलिए बिना देर के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आप लिटरली देखेंगे ज़ारा के इतने बड़े बड़े मेरे पास चार बॉक्स रखे हुए हैं और इसके अलावा एक ये वाला छोटा थैला भी है जो कि मैंने स्टोर से कुछ परचेस किया था उसका। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने दो क्वांटिटी में बुलाए हैं, क्योंकि मोस्टली ज़ारा पे ऐसा होता है कि जब भी आप कोई सेल के टाइम आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो मोस्टली वो विद इन अ आवर और विद इन अ डे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो उसको आप वापस एक्सचेंज कराओ ये पॉसिबल होता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मुझे ऐसा डाउट था कि यार मुझे साइज में नहीं आने वाले हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे, उनको मैंने दो साइज में भी बुलाया है। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं इस टी शर्ट की बात करूँगी। ये जो टी शर्ट है ये काफ़ी क्यूट टी शर्ट है और इसका जो MRP है वो 1990 है। मैं सभी की जो डिस्काउंटेड प्राइस है और MRP है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। काफ़ी सुंदर टी शर्ट है। तो मैंने इसको दो साइज में बुलवाया है, एक स्मॉल में भी और एक मीडियम में भी, क्योंकि ये ओवर साइज टी शर्ट था। तो मोस्टली एक्चुअली मेरा जो फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ज़ारा का जो मतलब ट्राउज़र और जीन्स वगैरह में होता है वो 28 और मीडियम आता है मुझे, और टॉप का कुछ टॉप्स में मुझे स्मॉल लगता है, कुछ में मीडियम लगता है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों ही स्मॉल और मीडियम में परचेस की है। एक मैं रिटर्न करवा दूँगी साइज़ चेक करने के बाद, मोस्टली इसका जो स्मॉल है वो आएगा क्योंकि ये ओवर साइज टी शर्ट है। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट परचेस किया है वो किया है ये वाला ट्राउज़र। ये कुछ इस तरह का ट्राउज़र है, इसमें नीचे की साइड यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरह से फोल्ड किया हुआ है और ये लगभग स्ट्रेट फिट ट्राउज़र है, वाइट कलर का ट्राउज़र है। ये ऑफिस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है। और मुझे मैं पर्सनली जीन्स से ज़्यादा ट्राउज़र प्रेफर करती हूँ, तो मुझे ये जो ट्राउज़र है काफ़ी अच्छा लगा है। सामने से भी काफ़ी एकदम फिनिश वाला है, इस तरह से काफ़ी टेलर्ड पैंट है, काफ़ी सुंदर है ये पैंट भी। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट परचेज किया है वो शॉर्ट्स किए हैं, वो कुछ इस तरह के शॉर्ट हैं। एक ज़ारा का ब्लैक कलर का शॉर्ट मैंने ऑलरेडी सेल के पहले ही परचेस कर लिया था और सेम टाइप का, आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सेम ही प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट आ गया है या फिर वो प्रोडक्ट दूसरे थे। तो ये मैंने परचेस किया है 38 साइज में, और 38 मतलब कि हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है, अगर आपकी 28 वेस्ट है तो आपको ज़ारा में 38 परचेस करना होगा। तो ये 38 साइज का मैंने परचेस किया, मेरी 28 वेस्ट है। और इसी के बाद मैंने एक और ये वाला ट्राउज़र भी परचेस किया है। आई थिंक इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, दोनों शायद एक ही प्रोडक्ट के जो हैं वो कलर से, नहीं ये दोनों प्रोडक्ट अलग हैं बट ये लुक वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है मुझे। इसके बाद मैंने एक और ब्लू कलर का शॉर्ट परचेस किया है। इन दोनों में से मैं एक ही रखने वाली हूँ तो मोस्टली शायद मैं ये वाला रखूँगी, इसका थोड़ा सा मुझे लुक अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये वाला रखने वाली हूँ और ये वाला रिटर्न करने वाली हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ऑनलाइन परचेस करते हो सेल के टाइम पे, तो मोस्टली आप जब सेल के टाइम पे परचेस करते हो और अगर आपके कार्ड में सारे ही प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्काउंट प्राइस वाले हैं, ऑफर वाले हैं, सेल वाले हैं, तो ज़ारा आपको डिलीवरी के चार्जेस लेता है। तो मैंने इसीलिए ये वाला पैंट परचेस किया था। मैं इसको 100% रिटर्न करवा दूँगी। इसका कलर मेरे, ये कलर जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक्चुअली पसंद क्या नहीं है, मैंने कभी भी इस तरह के कलर ट्राई नहीं किए ट्राउज़र में। तो ये तो मैं रिटर्न करवाने वाली हूँ क्योंकि ये फ्रेश न्यू अराइवल से मैंने परचेस किया है, ताकि मेरा जो शिपिंग चार्जेस है वो ना लगे। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो ये वाली ट्राउज़र की है। ये डिस्काउंट के बाद भी मुझे काफ़ी महंगी लगी। ये टेलर्ड पैंट है। मुझे इस तरह के पैंट भी परचेस करने थे क्योंकि ऑफिस वगैरह में पहनने में काफ़ी अच्छे रहते हैं। नीचे इसमें यहाँ से एक प्लीट्स लगा हुआ है जिसमें बटन लगा हुआ है, तो शायद आप इसको खोल के, आई थिंक नहीं, थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ शो के लिए। तो ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा टेलर्ड पैंट है, वैसे पापा वन वाला लग रहा है, पर इसका पहन के देखते लुक कैसा आता है। ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसके अलावा मैंने परचेस किया है ये वाला शर्ट। ये शर्ट को ना मैंने जब ये MRP पे था ना, तब मैंने इसको बहुत बार देखा था।
इसमें एक पिंक कलर भी था, व्हाइट कलर के एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा टॉप हो गए तो व्हाइट कलर मैं अवॉइड करना चाहती थी। इसमें एक और शेड था बेबी पिंक, तो मुझे वो परचेज करने का मन था क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के शर्ट हो गए, तो मैंने उसको कार्ड में ऐड करा और जब तक मैं चेकआउट करती इतनी देर में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसके लिए फिर मुझे यही वाला कलर ऑर्डर करना पड़ा। ये एकदम फ्रेश वाइट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हल्का सा क्रीमी थोड़ा बेज कलर का है, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का कलर है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक स्कार्फ टाइप का दे रखा है, इसको आप टाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा ये इतना गंदा सा है, थोड़ा सा लग रहा है यूज्ड है, बट शायद ट्रायल में से खराब हो गया, आई डोंट नो। मैं इसको रिटर्न तो नहीं करने वाली क्योंकि वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका MRP काफ़ी ज़्यादा है, 3,000 रुपये का शर्ट है और मुझे 2,000 के आसपास मिला और ये मेरी विश लिस्ट में था एक्चुअली, तो सिर्फ मैंने इसको इसलिए परचेज नहीं कराया क्योंकि ये ऑफर में था। अब बारी आती है एक और वाइट टॉप की, ये बिल्कुल फ्रेश मुझे मिला है, ये थोड़े टाइम पहले मैंने परचेज कर लिया था जब ज़ारा पे सेल शुरू नहीं होती, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कुछ स्पेशल प्राइस पे था। अगर ज़ारा में आप एक्सप्लोर करते रहते हो ना ऐप को, तो उसमें आपको पता चलता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुछ स्पेशल प्राइस पे मिल जाते हैं, तो ये उस टाइम में मुझे मिला, एकदम फ्रेश पीस है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफ़ी अच्छे से रफल बना हुआ है यहाँ पे और बहुत सुंदर है ये पीस। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो वाइट कलर का वाइड लेग ट्राउजर है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड लेग है और ये एकदम फ्रेश वाइट कलर है, काफ़ी अच्छा ट्राउजर है ये। ये ट्राउजर भी मेरे को ब्लैक कलर में लेना था, बट ब्लैक कलर जब मैंने देखा था तब आउट ऑफ स्टॉक था, वो ब्लैक कलर जो स्टॉक में था वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं था, तो ये वाला जो पर्टिकुलर कलर है इसी पर डिस्काउंट था, तो मैंने सोचा कि ब्लैक तो मैं लेने ही वाली थी तो ये वाला ले लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई थिंक ये दोनों का कलर सेम हो गया है, एग्जैक्ट सेम कलर है दोनों का, ऐसा भी लग रहा है कि दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो लेट्स सी अगर मुझे रखना होगा तो मैं दोनों भी रख सकती हूँ या फिर एक रिटर्न करवा दूंगी। फॉर श्योर ये वाला तो मैं रिटर्न नहीं करवाने वाली हूँ, बट शायद मैं ये वाला भी रख लूँ। इसके बाद बारी आती है ये वाले स्कर्ट की, एक्चुअली ये स्कर्ट मुझे बिल्कुल रिटर्न करने का मन नहीं है, लेकिन ये जो साइज है ये मुझे स्मॉल में मिला है और इसको मैंने पहले मीडियम में ट्राई किया हुआ है, तो जब मैंने इसको मीडियम में ट्राई किया था तब ये MRP पे था और अब ये मिल रहा है 1590 का, इसका MRP है 2000 का, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं रख लूँ स्मॉल साइज में, क्योंकि साइज का इतना ज्यादा भी इशू नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टमी के यहाँ पे से टाइट लग रहा है, बट आई थिंक इसको रखा जा सकता है, तो इसके लिए शायद मैं इसको रख लूंगी। इसके अलावा मैंने ये स्कर्ट ऑर्डर किया है, ये भी काफी सुंदर है और थोड़ा सा वेस्ट पे से मुझे टाइट लग रहा है, बट आई थिंक इसको रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी गर्मी आने वाली है, समर में काफी काम आएंगे ये कपड़े, और जब आप इसको MRP पे लेते हो ना तो फिर बहुत अखरते हैं कपड़े। हाँ एक और चीज़, ये वाला शर्ट तो रह गया, ये मेरा फेवरेट शर्ट है, ये मेरी फेवरेट परचेस है, ओवर साइज का शर्ट है, मुझे इस टाइप की शर्ट बहुत अच्छा लगता है स्टाइल करने में। ये अगर आप इस टाइप की शर्ट जो है वो आप टाई करके सामने से पहन सकते हो, इसको आप जो आपकी नॉर्मल स्लिम फिट जींस होती है, जो पेंसिल जींस होती है, उसके साथ अगर आप इसको स्टाइल करते हो तो भी बहुत अच्छा होता है, तो काफ़ी कूल डूड टाइप की फीलिंग आती है इस टाइप के ड्रेसेस में, इसको आप फोल्ड करके पहन लो काफ़ी अच्छा, और इसका प्रिंट देखो ना कितना सुंदर है, तो ये मेरा फेवरेट परचेस है इस वाली सेल का कपड़ों में। अब बात करते हैं फुटवेयर की, एक मैंने ऑर्डर किया ये वाला फुटवेयर, ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गया है और ये मैंने पहन भी लिया है, ये ऑफिस वगैरह के साथ ट्राउजर वगैरह से काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे अगर यहाँ पे बिल्कुल प्लेन वाला रहता तो शायद ये ऑफिस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता, बट इट्स ओके अगर आपको डिस्काउंट में कोई चीज़ मिल रही तो आप थोड़ा बहुत समझौता कर लेते हो। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो क्या है, ये वाले शूज़, ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं और ये इतने अच्छे ऑफर में मुझे मिले हैं, मतलब इसका अगर MRP देखेंगे आप, ये 5000 के शूज़ है और ये 5000 की MRP पे थे ना तब भी मेरी निगाहें इनके ऊपर थी, मैं इनको परचेस करना चाहती थी, लेकिन टच वुड ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गया, लगभग 2000 के आसपास मुझे कॉस्ट हुए और हाँ ये भी फुटवेयर में मेरा फेवरेट परचेस है, और ये शूज़ जो हैं ये काफ़ी अच्छे लगेंगे एक ट्राउज़र वगैरह के साथ, सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब बारी आती है कैजुअल शूज़ की, तो यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो है ये शूज़, ये थोड़े मुझे कॉस्टली लग रहे हैं, इसका जो MRP है वो है 6000 और ये लगभग 3000 के मुझे कॉस्ट हुए हैं, इसमें थोड़ी हील्स भी है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, वाइट कलर का शूज़ है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको रखूँगी कि नहीं, क्योंकि
3000 के सर से मुझे थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं। अगर ये 2000-2500 के आसपास होते तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी MRP 6000 है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसको रख लूँगी, शायद वापस नहीं करूँगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये शूज़। इसके अलावा मैंने एक और शूज़ ऑर्डर किए हैं, वो ये है। ये लुक वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बट इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ का जो ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा ही है एक्चुअली, ये मतलब कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई लेदर या कुछ अलग टाइप का मटेरियल नहीं है, एग्जैक्टली जो आपका मतलब डेनिम का मटेरियल होता है ना वो वाला है। तो मैं श्योर नहीं हूँ इसको रखने के लिए, क्योंकि अगर ये गंदा हो गया तो इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लाइट कलर का शूज़ है और क्योंकि शूज़ है इसके लिए गंदा होना तो डेफिनेटली है ही इसका, तो शायद मैं इस वजह से इसको रिटर्न कर दूँ। इसका लुक अच्छा ही आ रहा है, इसमें हील्स भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे मिला ही है, शायद 3000 के अराउंड मुझे कॉस्ट हुआ है, इस पर तो नहीं लिखा हुआ है बट मैं नहीं, 3000 तो इसका MRP है, शायद ये 1500 रुपये का पड़ा होगा फिर मुझे, तो शायद मैं ये वाला तो रिटर्न करवा दूंगी। यही था आज का वीडियो, तो यही था आज का वीडियो और यही शॉपिंग थी जो ज़ारा के सेल टाइम पे मैंने की थी, और ज़ारा के जो स्पेशल ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, स्पेशल प्राइस वगैरह चलते रहते हैं, उस पर मैंने खरीदा था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरी जर्नी में आगे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय, लव यू।